नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो कि हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं। ये देखिए मुस्या भी यहाँ पे आई हुई है हमारे घर, तो हमारे साथ बैठी हुई है। आज मैं मिठाई के बारे में शेयर करने वाली हूँ। इस मिठाई के बारे में बताने जा रही हूँ। उस मिठाई को हम लोग यहाँ पे माठ के नाम से जानते हैं। वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, बहुत बढ़िया लगता है। देखते हैं कि मिठाई को कैसे बनाते हैं। मिठाई को बनाने के लिए हम लोगों ने हलवाई वालों को बुलाया है। हलवाई वालों ने मिलके माठ को बनाते हैं। माठ को बनाने के लिए इन लोगों ने मैदे के आटे को गूंथ लिए हैं। आटे को गूंथते समय इसमें घी, सम, खाने वाला सोडा डाल के गूंथे थे। इसको डालने से खास्ता बनता है और मुलायम रहता है। सबसे पहले इन लोगों ने छोटी छोटी लोइयां बनाए हैं। लोइयां बनाने के बाद इसको गोल साइज के बनाए हैं। हल्के हाथों से बेलकर इसको गोल साइज के बना लिए हैं। इसके बाद किनारे किनारे डिजाइन बनाते हैं इस तरह से। यहाँ पे मैदे के आटे हैं। पतीले में पानी रख के चीनी डालकर सीरा तैयार करते हैं। सीरा तैयार हो गया है। इसके बाद कढ़ाई में तेल डालते हैं। तेल को गरम करते हैं। तेल गरम होने पर इसको कढ़ाई में डालेंगे। इसको बहुत ही धीमी आंच पर पकाएंगे।
गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। धीरे धीरे इसका कलर आ रहा है। नित्या भी यहाँ पे है। नित्या मिठाई को देख के बहुत ही खुश है। इस मिठाई को बनाने के लिए बहुत समय लगता है। सीरा हमारा बन के तैयार हो गया है। नित्या हमारी भाभी के लड़के किशन को लेने के लिए किशन के स्कूल में जाती है। नित्या किशन को देखती है। नित्या और किशन बहुत खुश हैं। नित्या और किशन आइसक्रीम खाते हैं।
सीरे में डालेंगे, 2-3 घंटे तक सीरे में छोड़ देंगे। उसके बाद उसमें से निकाल के एक बर्तन में रख लेते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे माठ हमारा बनके तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। तो आप सब भी इसे बनाइए और खाइए और खिलाइए। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना न भूलें।